बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी YouTube की फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। आज किचन क्लोजअप में जो रेसिपी शेयर की गई है वो है बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की स्पेशल बेसन वाली मसाले वाली रोटी। बहुत टेस्टी और बहुत खस्ता सी बनी है, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। ये जानने के लिए रेसिपी किस तरह से तैयार की गई आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ किचन क्लोजअप में। वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलते हैं मज़ेदार सी बेसन की रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंटर स्पेशल रेसिपी बेसन की मसाले वाली रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप बेसन। बेसन ऐड कर देने के बाद इसके अंदर डाल देंगे हम 1/2 कप आटा। जो भी नॉर्मली आटा हमारे घर में मौजूद होता है वो डाल देना है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे हम अजवाइन। थोड़ी बादी होती है इस वजह से हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे। सॉल्ट जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून भर के आप डाल दीजिए। और इसके साथ मसाले ऐड कर देने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के हरा धनिया। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद बारीक काट ली थी। हरी प्याज का हरा वाला पार्ट 2 टेबल स्पून डाल दीजिए। और 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई ये डाल देनी है। और अब हम अभी इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। चलें अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल का डाल देंगे, या आप घी भी डाल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे, गुनगुना पानी है। और इसकी हमने एक डो बना लेनी है। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा डालिएगा। चले जनाबी, देख लीजिए डो हमारा हो गया है रेडी। अच्छे से हमने इसको गूंद लिया। ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट ही है। देख लीजिए अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद रोटियां अपनी बनाना स्टार्ट करेंगे। चले जनाब, 10 से 15 मिनट हो गए डो को रखे हुए। अब हम इसके पेड़े बना के रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। पेड़े हमने बना लिए, अब हमने इसको बेलना होगा। सबसे पहले हमने प्लेटफॉर्म पे हल्का सा आटा डस्ट कर देना है इस तरह करके, और इसको अब हम बेलते हैं। चलें हम इसको बेलेंगे। और आपने बेलना थोड़े हल्के हाथ से, एकदम ज़ोर से नहीं बेलना वरना ये फट सकती है रोटी। ये देखिए, और साइज़ आप अपने मुताबिक मर्ज़ी के रख सकते हैं। बड़ी रोटी खाते हैं तो बड़ा साइज़ कर लें, डो ज़्यादा ले लें, पेड़ा बड़ा बना लें। और अगर आप छोटी खाते हैं तो छोटा ही पेड़े की बना लें। ये देखिए इस तरह मैंने बेल लिया। अब हम इसे तवे पे फ्राई करते हैं। चूल्हे पे हमने रख दिया है पैन और चूल्हा ऑन कर लिया, स्टोव ऑन कर लिया। अब हम इसके अंदर जो हमने रोटी बेली थी ये डाल देंगे। और अभी हमने कुछ भी नहीं करना, लो टू मीडियम हीट पे इसको सेकना होगा। फ्लेम मैं थोड़ी लो कर लूँ। चलें जी, फिर हम इसकी साइड थोड़ी देर बाद टर्न करें। चलिए जनाब, जब रोटी नीचे से सेक जाएगी फिर हमने इसकी साइड को टर्न करना होगा। ये देखिए इस तरह करके। और अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर घी लगाना है किसी भी ब्रश की मदद से। इस तरह करके हमने इस पर घी लगाना है। आप चाहे तो खाली इस तरह सिके हुए भी रोटी खा सकते हैं, और हम तो इस तरह थोड़ी बनाएंगे। इस घी लगाने से और ज़्यादा मज़ेदार लगती है, इसका फ्लेवर और टेस्टी लगता है। चले सब जगह इस तरह करके अच्छे से घी लगा लिया। ये देखिए जनाब, बेसन की रोटी हमारी कितनी प्यारी सी सिक चुकी है। ये देखिए, आप चाहे तो और ज़्यादा डार्क कलर करना चाहें तो और ज़्यादा डार्क कलर कर सकते हैं। आपने सेकना, लेकिन इसको लो टू मीडियम हीट पर है, तेज़ आँच पर बिल्कुल ना सेकेगा। चलें जी, अब हम इसे करते हैं डिश आउट। मैं बाकी की भी बना लेती हूँ इतनी देर में।
ये देखे जनाब, मसाले वाली हमारी बेसन की रोटी खाने के लिए तैयार है। ऊपर से रख दिया मैंने इसके ऊपर बटर, और साथ में बनाइए दही और पुदीने वाली चटनी, और इसका मज़ा उठाइए विंटर स्पेशल रेसिपी के साथ। अगर आपको पसंद आए, अगर आपको अच्छा लगता है कि बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर की गई है, तो अपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और फ्री में वीडियो को इंजॉय कर सकें। चलें, आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।